मिलिए एक ऐसी फैमिली से जिसके दो बेटे पाकिस्तान के बैडमिंटन में नेशनल और एक बेटा इंटरनेशनल चैंपियन है। इन्होंने अपने वालिद की वफात के बाद उनके ख्वाबों को पूरा करने के लिए इतनी मेहनत की कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया, मगर अफसोस कि आज भी वो किराए के मकान में रहने पर मजबूर हैं और अपनी खेल के तमाम अखराजात खुद उठा रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बोल बज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उसामा इरशाद। नाज़रीन, आप मेरे साथ ये तीन नौजवान प्लेयर देख रहे हैं, ये पाकिस्तान के नेशनल चैंपियन हैं बैडमिंटन में और इनकी वालदा भी हैं हमारे साथ। तो इनकी वालदा से गुफ्तगू करते हैं कि एक माँ के तीन बच्चे जिन्होंने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया हो, उस माँ की क्या फीलिंग्स होंगी और वो अपने बच्चों के लिए क्या जो है वो फ्यूचर प्लान रखती है, क्या वो करना चाहती है, अपने बच्चों को कैसे उन्होंने पाला, ये सारी उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आंटी, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। आंटी, एक माँ को फ़ख्र फील हो रहा है माशाल्लाह, आपके तीन बच्चे जिन्होंने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, एक माँ की क्या फीलिंग्स होती हैं? मैं बहुत खुश हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, जितना शुक्र अदा करूँ कम है, कि मेरे तीनों बेटे आज चैम्पियन हैं। और सबसे मुझे खुशी जो है, मेरा छोटा बेटा जो है वो फर्स्ट टाइम चैम्पियन बना, उसकी मुझे बहुत खुशी है। और इन तीनों ने बहुत मेहनत की है वक्त के साथ साथ, पढ़ाई में भी मैं चाहती थी कि मेरे बच्चे आगे चलें, इन्होंने मेरा उसी तरह कहना माना जैसे मैं कहती थी कि सिर्फ गेम नहीं रखनी, साथ पढ़ना भी है। लेकिन इनके बाबा की ख्वाहिश थी कि ये गेम में आगे बढ़ें, तो हसनैन ने, बड़े बेटे ने मेरे, ने इन दोनों भाइयों को आगे लेके गया है। वो हसनैन भाई से जब बात हो रही थी तो इन्होंने बताया कि इनके वालिद का ख्वाब था कि ये मेरे बच्चे जो हैं वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करें। तो आज माशाल्लाह उनके जो बच्चे हैं वो पाकिस्तान का नाम रोशन तो कर रहे हैं, लेकिन अब इनके वालिद इस दुनिया में नहीं है। तो इनके जो वालिद की जब डेथ हुई आंटी, उसके बाद आपने इनको कैसे लेकर चला, कैसे इनकी परवरिश की और आज क्या महसूस होता है उनके बारे में? बहुत मुश्किल टाइम था उस टाइम, 2011 की बात है कि इनके वालिद की डेथ हो गई। और हसनैन बहुत छोटा था, 9th क्लास में पढ़ता था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इसने जिस तरह 10th क्लास ख़त्म की तो ये चैम्पियन बन गया। और उसकी वजह से फिर इसको FSC और गवर्नमेंट कॉलेज से इसने डिग्री अपनी कंप्लीट की और इसने अपनी पढ़ाई भी साथ साथ कंटिन्यू रखी। जी, सबसे पहले हम इनके जो सबसे बड़े भाई हैं उनसे गुफ्तगू करते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये कैसे इन्होंने अपनी फैमिली को सपोर्ट किया, कैसे अपनी फैमिली को लेकर चले, और उसके बाद फिर इनके जो छोटे भाई हैं जिन्होंने इंडिया को पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हराया और नेशनल चैंपियन बने, उसके बाद फिर इनके छोटे भाई हैं उनसे भी पूछेंगे। सबसे पहले इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक। अच्छा हसनैन भाई, हमें अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि आपके वाले साहब की डेथ होगी, उसके बाद फिर आप अपनी फैमिली को लेकर चले और आज माशाल्लाह आप तीनों भाई पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और तीनों चैम्पियन भी हैं, तो कैसा महसूस होता है? जी, सबसे पहले तो मैं बताता चलूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतनी इज़्ज़त दी है, मैं डबल्स का नेशनल चैम्पियन हूँ 2022 का और मिक्स डबल्स का भी नेशनल चैम्पियन हूँ। डबल्स का इससे पहले भी मैं एक बार नेशनल चैम्पियन रह चुका हूँ, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह इस बार मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात थी क्योंकि मैं और मेरा छोटा भाई हम दोनों इकट्ठे डबल्स खेलें और जीते हैं। और मैं शुरू से बताता चलूँ कि बैडमिंटन स्टार्ट किस तरह की थी। मेरे अब्बू जो थे उनको बैडमिंटन का बहुत ज़्यादा शौक़ था, वो शुरू में मुझे अपने साथ लेके जाते थे जब मैं बहुत छोटा होता था, 6th-7th क्लास में होता था तब से, तो उनके साथ जाना बैडमिंटन खेलना सीखना, बैठना वहाँ पे जाके क्लब में, तो वहाँ से बेसिकली मैं मोटिवेट हुआ कि बैडमिंटन खेलनी चाहिए, बड़ी अच्छी स्पोर्ट है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपने बैडमिंटन करियर का वहाँ से आगाज़ किया। और उसके बाद मैं जब 9th-10th में था तब तक Under-14-15 इवेंट्स हो चुके थे जो मैं अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब के जो इवेंट्स थे वो मैं जीता था, Under-12, Under-14, Under-15 सारे इवेंट्स में जीता हुआ हूँ, सिंगल्स और डबल्स में। उसके बाद 2012 में मेरे अबू की डेथ होगी और उसके बाद फिर बड़ा प्रॉब्लम्स डिफ़िकल्टीज़ फेस की मैंने और मेरी फैमिली ने। हसनैन भाई, ये एक बहुत टर्निंग पॉइंट होता है कि जब घर का सरबरा उसकी डेथ हो जाती है, उसके बाद फिर आपकी वालदा ने आपको सपोर्ट किया। और यहाँ एक कहावत है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो वो औरत मैं समझता हूँ आपकी वालदा है। उसके बाद फिर आपकी फैमिलीज़ के मेंबर हैं कुछ जिन्होंने आपको सपोर्ट किया, तो उनके नाम कुछ पैगाम देंगे। और यहाँ नाज़रीन आपको एक और बात बताता चलूँ,
3 चैंपियन हैं और एक किराए के घर में रह रहे हैं। इन्होंने अज़म और हिम्मत के साथ इसको जारी रखा और आज माशाल्लाह इनका नाम पूरी दुनिया में जाना जाता है। तो क्या कहेंगे रिश्तेदारों के बारे में जिन्होंने आपको सपोर्ट किया, जिनकी मदद से आप यहाँ तक पहुँचे हैं? सर मैं बताता चलूँ, इसमें ये है कि जब हम अबू की डेथ हुई तो हमें वापस पिंडी जाना पड़ा था कुछ अरसे के लिए, क्योंकि बेसिकली हम सारे रावलपिंडी से बिलोंग करते हैं, इस्लामाबाद और रावलपिंडी से। हाफजाबाद बाबा की जॉब की वजह से हम यहाँ पे शिफ्ट हुए थे, मेरी स्कूलिंग बिकन हाउस यहाँ से हुई है, छोटे बच्चे पढ़ रहे थे सब यहाँ पे। तो जब बाबा की डेथ हुई तो उसके बाद हमें पिंडी दोबारा थोड़ी देर के लिए मूव करना पड़ा, लेकिन वहाँ पे जो चीज़ हमने नोटिस की थी ना, वहाँ पे पढ़ाई उस तरह से हो सक रही थी और बैडमिंटन भी नहीं खेली जा सक रही थी क्योंकि क्या वजह थी कि पिंडी में तो सुना है कि बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं, बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, लेकिन इसकी क्या वजह कि पिंडी के बजाय आपने हाफिज़ाबाद को प्रेफर किया, क्या वजह थी इसकी? सर वो इस तरह है कि देखें, हाफिज़ाबाद एक स्मॉल सिटी है, पिंडी एक बिग सिटी है। बिग सिटी में आपको पता है ज़्यादा एक्सपेंस होते हैं, वहाँ के आप स्कूल्स की फ़ीस देख लें, ट्यूशन फ़ीस देख लें, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स वगैरह जो हैं उनकी मेंबरशिप देख लें, वो बहुत ज़्यादा कंपैरेटिवली हाफिज़ाबाद की वजह से। और ये है कि हम हाफिज़ाबाद में जब रहते थे, हम यहाँ पे मैं खेलता था, हैदर हसन, हम तीनों खेलते थे, तो यहाँ पे लोग हमें जानते थे, हमारा ख्याल रखते थे, हमसे प्यार करते थे। पिंडी एक बहुत बड़ा शहर है, लोगों के पास वहाँ पे इतना टाइम नहीं है, हर इंसान अपनी ज़ाती ज़िंदगी में मसरूफ़ रहता है। और मेरी क्योंकि स्कूलिंग यहाँ से थी तो मैं 9th-10th में यहाँ पे था, फिर मैं वहाँ पे पिंडी जाके शिफ्ट नहीं कर सकता था, बोर्ड चेंज नहीं कर सकता था, तो इस वजह से फिर हमने ये डिसाइड किया कि हम यहाँ पे हाफिज़ाबाद में स्टे करेंगे। हालांकि हमारा पिंडी में अपना घर है, लेकिन उसके बावजूद हम हाफिज़ाबाद यहाँ पे रुके, एक रेंट के घर में रुके, ताकि हम अपनी स्पोर्ट्स को और अपनी जो हमारी स्टडीज़ हैं उनको कंटिन्यू कर सकें। अब इनके जो छोटे भाई हैं राजा हैदर, हम उनसे भी गुफ्तगू करते हैं और उनकी आपको एक ख़ास बात बताऊँ कि उन्होंने पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा किसी इंडियन को जो है ना मात दी है और इंटरनेशनल चैंपियन वो बना। हैदर भाई हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि जैसे मैंने आपका तारुफ करवाया कि आप इंटरनेशनल प्लेयर हैं, तो कैसा फील होता है एक इंटरनेशनल प्लेयर के तौर पे अपने आप को देखना और दूसरों के सामने रिप्रेजेंट करना अपने आप को? बिल्कुल, मैं डिस्ट्रिक्ट चैंपियन, डिवीजन चैंपियन, अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब चैंपियन, उसके बाद ऑल पाकिस्तान चैंपियन, और उसके बाद अभी तक जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुआ वो मैं साउथ एशियन अंडर-21 चैंपियन जीता था 2019 में, मालदीव्स में इंडिया को मैंने हराया था। तो इंडिया को हराना बड़े एजाज की बात है। सही है, सही कह रहे हैं आप, इंडिया को मैंने फ़र्स्ट टाइम हराया था और मुझे लगता है कि ये काफ़ी पाकिस्तान का मैंने नाम रोशन किया था बाहर जाके, और मैं इंशाल्लाह कोशिश करता रहूँगा कि इस तरह ही पाकिस्तान का नाम रोशन करता रहूँ। तो हैदर भाई, आपने ये कहा कि आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया, आपके भाइयों ने, आपके बहनों ने, आपकी वालदा ने, तो आपने यहाँ पर एक नाम नहीं लिया, मतलब कि आपके जो स्पॉन्सरशिप्स थे उनका नाम नहीं लिया, इसकी क्या वजह है? इसकी रीज़न ये है कि देखें, कोई परमानेंट हमें स्पॉन्सर नहीं है। परमानेंट स्पॉन्सर हो के हमें पता हो हम ये टूर्नामेंट जीतेंगे तो हमें इसने सपोर्ट करना ही करना है। ये कुछ लोग हैं जो हमें स्पॉन्सर करते हैं, लेकिन जिस तरह आप देख लें इंडिया के प्लेयर्स हैं, जिस तरह भी उसके ओलंपिक में उसने गोल्ड मेडल एक लड़के ने हासिल किया, तो उसको उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट, उन्होंने 1 ईयर उसको उन्होंने कहा कि हम आपको सपोर्ट करेंगे थ्रू आउट, उसकी फ़्लाइट्स जो बाहर की सब टोटली फ्री हैं। इस तरह की सपोर्ट हमें चाहिए, जो कि इस तरह की सपोर्ट पाकिस्तान में नहीं है। अच्छा, दिल करता है कि आपको स्पॉन्सर करें, आप भी पाकिस्तान का नाम मज़ीद रोशन करें। माशाल्लाह हमने देखा है कि इंडिया को भी आपने हराया, और आपका दिल करता है कि मैं किसी और ममालक में भी जाऊं, वहां पर भी उनको हराऊं और पाकिस्तान का नाम रोशन करूं। इसके बारे में आपका क्या दिल करता है, किस तरह इसको अपने अल्फाज में आप जो है बयान करेंगे? हाँ जी, ऐसी देखे, दिल किसका नहीं करता, हमारा तो दिल ज़रूर करता है। जिस तरह मैंने जब पहली दफ़ा इंडिया को हराया तो मेरा उसके बाद मुझे यही था कि पाकिस्तान में वापस जाऊंगा, मेरे ये टूर्स लगाएंगे, मैं 3-4 साल में और ऊपर आ जाऊंगा, वर्ल्ड रैंकिंग अपनी इंप्रूव करूंगा। लेकिन इन्होंने मुझे, मतलब पाकिस्तान ने, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने मुझे कोई सपोर्ट नहीं किया, ना इन्होंने मेरा टूर कोई लगवाया, तो इस वजह से थोड़ा उदास हो गया था मैं। मैंने इवन बैडमिंटन 3-4 माह के लिए छोड़ दी थी कि क्या फ़ायदा इस इंटरनेशनल टूर के बाद भी आपको जब कोई सपोर्ट ना मिले। लेकिन यह है कि तवक्को की जा सकती है पाकिस्तान से, उम्मीद है, उम्मीद पे देखें दुनिया कायम है, उम्मीद पे है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के हालात ठीक होंगे, इंशाल्लाह हमें भी सपोर्ट मिलेगी और टूर्स मिलेंगे। इनके छोटे भाई वो भी चैंपियन हैं, तो आपकी भी मुलाकात उससे करवाता हूँ। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, हमें ये बताएं कि आप भी माशाल्लाह चैंपियन हैं, तो किससे मोटिवेशन मिली आपको कि आप भी बैडमिंटन खेले, आप कोई और गेम खेल लेते? क्योंकि आपको पता था आपका स्पोर्ट्स फैमिली से ताल्लुक है, तो बैडमिंटन को ही क्यों चूज़ किया? जी, मैं आपको बताऊं कि मेरे बड़े भाई दोनों, राजा हैदर और राजा स्नैन, दोनों बैडमिंटन ही खेलते हैं, मेरे बाबा भी बैडमिंटन खेलते थे,
तो शुरू से इनको बैडमिंटन खेलते देख रहा था, तो साथ साथ भाई के साथ भी जाता था खेलने, तो उसी वजह से शौक़ पैदा हुआ खेलना। भाई ने मेरे मेहनत की, हमें खिलाया शुरू से, भाई हमें सिखाता रहा, फिर हैदर, दोनों उन दोनों भाई के साथ खेलते रहे, तो शुरू से भाई और हैदर को देखते रहे, तो शौक़ बैडमिंटन का पैदा हुआ। तो आपकी क्या अचीवमेंट हैं, आपके बड़े भाइयों ने तो माशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन किया हुआ है, आपकी क्या अचीवमेंट्स हैं? जी मैं इस टाइम अंडर 19 सिंगल नेशनल चैम्पियन अभी बना हूँ, और डबल्स में सेकंड पोजीशन आई है। उससे पहले मैं अंडर 18 और अंडर 16 का रनर अप रह चुका हूँ, और पंजाब चैम्पियन रह चुका हूँ, और डिस्ट्रिक्ट में 5 टाइम डिस्ट्रिक्ट चैम्पियन। चलो 5 टाइम डिस्ट्रिक्ट चैम्पियन रहना बड़े एजाज़ की बात है। कंटिन्यूसली 5 टाइम रहे हैं या दरमियान में कोई वक्फा वगैरह आता रहा है? दो बार मैं कंटिन्यूस रहा, फिर एक बार मैं हार गया था, फिर 3 बार अपने बड़े भाई राजा स्नैन के साथ मैं डिस्ट्रिक्ट चैंपियन हूँ। तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, कितना पढ़े हुए हैं और कहाँ से पढ़े हैं? जी मैं इस टाइम सेकंड ईयर कर रहा हूँ पंजाब कॉलेज आफजाबाद से, FSC प्री इंजीनियरिंग। तो उसमें कोई आपको स्पॉन्सर मिला है स्पोर्ट्समैनशिप का? मैंने सुना है कि स्पोर्ट्समैन को पंजाब कॉलेज बहुत प्रमोट करता है, तो मिला कोई स्पॉन्सर या फीस दे रहे? नहीं अभी तक तो कोई स्पॉन्सर वगैरह नहीं मिला, मैं अपने नंबर्स के मेरिट पर पढ़ रहा हूँ इस टाइम पंजाब कॉलेज में। गेम बेस पे मुझे अभी तक कुछ ऐसा कोई स्पॉन्सर वगैरह पंजाब कॉलेज से नहीं मिला। इनके बच्चे ने एक तो पाकिस्तान का नाम रोशन किया और दूसरे नंबर पे इंडिया को हराया, जो कि बहुत एजाज़ की बात है, और पहला बच्चा है पाकिस्तान का जिसने इंडिया को हराया। तो माँ की भी अपील है, मेरी भी अपील है हुकूमत पाकिस्तान के आगे कि इन बच्चों को अच्छे रोज़गार फ्राहम किए जाएँ, इनको अच्छे स्पॉन्सर दिए जाएँ, ताकि ये फ्यूचर्स में जाके और भी मजीद जो है पाकिस्तान का नाम रोशन करें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।